Welcome back to my channel DIY with Haru. मैं हूँ आराधना। देखो विंटर्स आ गई है और एक फ्रूट है जो कि बहुत कॉमनली मिलती है। Guess what? Yes, orange. और लगभग ये हर जगह पाया भी जाता है। ऑरेंज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम से भरपूर होता है, इसीलिए ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसे रोजाना एक ऑरेंज आप खाया करो, ये आपके बहुत सारे अनवांटेड डिजीज से भी सेव करेगा। साथ ही ये एक ऐसा फ्रूट है जिसको हम लोग अपनी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए भी, ब्यूटी रेमेडीज में भी हम इसे यूज करते हैं। और हम सिर्फ इसके यूज से अपने कई तरीके के स्किन प्रॉब्लम को भी ट्रीट कर सकते हैं। So, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही बातें और यही चीजें शेयर करने के लिए आई हूँ। जी हाँ, सिर्फ एक ऑरेंज आपके कई तरीके की स्किन प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। कैसे जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। और मेरी आवाज के लिए माफी, मुझे थोड़ी कोल्ड हो गई है जिस वजह से मेरी आवाज थोड़ी भारी हो गई है। फर्स्ट, रिमूविंग पिंपल। जिन्हें भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए ऑरेंज एक मैजिकल रेमेडी बन सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। इसके लिए आप एक बाउल में हाफ टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर लें। देन आपको इसमें मिलाना है हाफ टेबल स्पून नीम पाउडर। एंड नेक्स्ट आपको चाहिए थोड़ी सी ऑरेंज जूस। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस ऐड कर रही हूँ। देन आपको इन सभी को मिला लेना है एंड इस तरीके से पेस्ट आपको बना लेना है। और आपको पिंपल्स वाले एरिया पे आपको इस पेस्ट को अप्लाई करना है, लगाना है। संतरे में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड पिंपल्स को हटाने में पावरफुल होता है और नीम पिंपल्स के होने वाले जो निशान होते हैं ना उसे क्लीन करता है। इन दोनों का मिक्सचर पिंपल्स को हटाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसीलिए मैंने इस रेमेडी में मैंने इन दोनों को यूज़ किया है। लगाने के बाद आप इसे लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट होते ही आप इसे अपने फेस से हटा दें। जिनकी स्किन काफी ड्राई, डल, बेजान लगने लगी है इस विंटर सीजन में, तो उसके लिए भी ऑरेंज काफी इफेक्टिव रेमेडी बन सकती है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून ऑरेंज पील पेस्ट ले लें। देन 1 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट। और साथ ही आपको इसमें 1/2 टेबल स्पून लगभग हनी मिलाना है। एंड इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लो। देन अपने क्लीन फेस पर इसे आप अप्लाई करें। पपीते में विटामिन ए पाया जाता है जो आपकी स्किन की खोई हुई ग्लो को वापस लाने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड फ्रेश ऑरेंज पील आपकी स्किन की ग्लो को बरकरार रखता है। हनी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करें। 15 मिनट के बाद जब ये सूख जाए तब आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। प्रॉब्लम तो वैसे बढ़ती उम्र के साथ देखने को मिलता है। अगर आपकी भी स्किन लूज हो गई है या आप भी अपनी स्किन को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए है। आप ही इसे फॉलो करके अपनी स्किन को टाइट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1 ग्लास पानी डालेंगे एंड जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें कुछ फ्रेश ऑरेंज पील यानी कि संतरे का छिलके को हम इसमें डालेंगे। 1 से 2 संतरे के छिलके आपके लिए काफी होंगे। एंड अब हम इन्हें बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे एंड लगभग आपको 10 मिनट के लिए आपको इसे अच्छे से उबलने देना है। एंड यहाँ पे अब ये अच्छे से उबलने लगा आप देख सकते हो। लगभग मैं इसे अभी हाफ इसे करूंगी एंड अब 10 मिनट हो गई है और लगभग इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो आधे से भी कम हो गई है। एंड थोड़ा आप इसे ठंडा कर ले एंड इस तरीके की कोई भी आइस ट्रे पे आप इसे डाल दो। इसके बाद आप इसे फ्रीजर में फ्रीज कर लो और ये जब ये बर्फ बन जाए तब हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरी ये आइस क्यूब तैयार है एंड अब हम इस आइस क्यूब को अपने फेस पर रब करेंगे। एक बार में आप सिर्फ 1 आइस क्यूब ही यूज करें।
अगर आप इसे डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरीके की कॉटन के कपड़े से भी लपेट करके आप इसे इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये आइस क्यूब आपकी स्किन को टाइट करेगा, डार्क स्पॉट्स हैं तो आप उसे भी लाइट करेगा एंड नेचुरल ग्लो लेकर के आएगा। साथ ही साथ आपके ओपन पोर्स हैं तो उसे क्लोज करने में भी हेल्प करता है। अगर इस विंटर आपकी भी स्किन धूप में बैठने से अगर टैन होने लगी है तो ये रेमेडी आपके लिए है। इस रेमेडी को अप्लाई करने से आपकी जो सन टैन हो गया है, सनबर्न जो हो गए हैं, वो काफी हद तक रिमूव हो जाएगी। 1 टेबल स्पून ऑरेंज पील पेस्ट, साथ ही आपको 1 टेबल स्पून इसमें बेसन मिलाना है एंड लगभग 1/2 टेबल स्पून आप इसमें हल्दी ऐड करें एंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेमन जूस डाल रही हूँ। थोड़ी सी ऑरेंज जूस आपको इसमें ऐड कर देना है एंड इन सभी को आप अच्छे से फेंट लो एंड ये पेस्ट आप अपने फेस पे, नेक पे, हैंड पे, जहां भी आपकी स्किन टैन हो गई है आप वहां पे इसे अप्लाई कर सकते हो। ऑरेंज पील में और लेमन में विटामिन सी होने की वजह से ये हमारे सन टैन को रिमूव करता है और बेशन आपकी स्किन के लिए क्लींजर का काम करता है एंड टर्मरिक सनबर्न से बचाता है। आप भी इस तरीके से इस रेमेडी को आप अपने सनबर्न वाले एरिया में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसे लगाने के बाद आप इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें, देन आप इसे हल्के गर्म पानी से आप वॉश कर लें। जब आपकी स्किन इस रेमेडी की सारी गुण को एब्जॉर्ब कर ले, देन आप इसे हल्के गुनगुने पानी से आप इसे वॉश कर ले। बिलीव मी गाइस, इस रेमेडी की यूज से आपके सन टैनिंग बिल्कुल हट जाएंगे। लास्ट, अगर आप कुछ अच्छा DIY फेस वॉश खोज रहे हो जो आपकी स्किन को विंटर में जेंटली क्लीन करे, तो ये रेमेडी आपके लिए है। एक कंटेनर लें एंड आप इसमें कुछ अमाउंट में आप इसमें बेसन ऐड कर दें। लगभग 2 टेबल स्पून आपको इसमें गेहूं का आटा मिलाना है। लगभग 1-2 टेबल स्पून आप इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दें एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोज पेटल्स पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ एंड इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लें एंड इन सभी को इस तरीके से कोई एयर टाइट कंटेनर में डाल करके आप रख लो और जब भी आपको फेस वॉश करना हो तब आप नीड्स के अकॉर्डिंग आप इसे लेकर के मिल्क या फिर दही के साथ फेट करके आपको इसे एज ए फेस वॉश अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। 30 सेकंड्स के लिए आप अपने फेस को क्लीन करो और जेंटली अपने फेस को वॉश कर लो। ये फेस वॉश आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, जो डॉट होंगे उसे बहुत अच्छे से रिमूव करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन में ग्लो भी लेकर के आएगा। तो कैसी लगी ये DIY फेस वॉश कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये आज की अमेजिंग यूजफुल हैक्स, हमने सिर्फ एक चीज से हमने 5 स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो और अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।